सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि आज है 10-10-20-20 यानी कि 10 अक्टूबर 2020। तो मुझे ये नहीं समझ रहा कि 10 अक्टूबर 2020 तो है, इंटरेस्टिंग नंबर है, बट अगर आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग करोगे नहीं अपनी लाइफ में तो उसमें क्या मजा है। तो कुछ करो इंटरेस्टिंग और उसको बनाओ इंटरेस्टिंग। डेट और टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 10-10 है, कल 10-11 होगा, उसके बाद 10-12 होगा। सब दिन एक जैसे मचाना जरूरी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। तो लास्ट कुछ टाइम से इस चैनल पे व्लॉग नहीं आया है एंड इसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी बोलता हूँ दिल से। बहुत से लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे हैं कि भाई ब्लॉग कब आएगा। कुछ चीज़ें चल रही थी मेरे आसपास जो कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए ब्लॉग नहीं किया। तो फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद अपन ब्लॉग चालू कर रहे हैं। अपने को इस मोड में ब्लॉग चालू करने का है फुल ऑन। एंड आप सबको पता है कि BMW ने नया BS6 वर्जन लॉन्च किया है 310 GS का। आज जाएंगे उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। एज अ BS4 ओनर के तौर पर उसको देखेंगे अपन और क्या क्या अच्छा है क्या क्या कम अच्छा है वो बताऊंगा आपको। तो थाने सर्विस सेंटर में जाते हैं और जाके एज यूजुअल मचाते हैं। चलो अभी निकलते हैं फटफट एंड आपको बाइक के पास मिलता हूँ। बाय। तो फाइनली कवर ख़राब हो चुका है मेरा पूरी तरह से, गाड़ी का नया कवर एक लेना पड़ेगा। सो गाइस एज यू ऑल नो कि अपनी जानू को हो गया है पूरा एक साल हो गया है। ऑन 8th ऑफ अक्टूबर दो दिन पहले हुआ था और दो दिन पहले ही BS6 वर्जन लॉन्च हुआ है इसका, वही देखने जा रहे हैं अपन। जल्दी जल्दी जाएंगे BS6 वर्जन। परसों देखा तो था मैंने 8 तारीख को जाकर, बट देन छोटे छोटे क्लिप डाले थे, डिटेल वीडियो नहीं डालता। तो डिटेल वीडियो मांग रहे हैं बहुत लोग, इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल वीडियो मांग रहे हैं बहुत लोग, तो मैं सोचा कि डिटेल वीडियो देता हूँ उनको BS6 वर्जन का। तो वही थाने सर्विस सेंटर में जाते हैं, अब निकलते हैं। बाहर का क्लाइमेट कुछ अजीब सा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक धूप थी, अभी आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि बाहर का क्लाइमेट कुछ अजीब सा हो गया है। धूप थी, अभी एकदम से छाव हो गया है। तो पता नहीं अभी बारिश का कुछ ठिकाना है या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली बारिश आएगी नहीं, बट आ भी सकती है। तो अपन क्या करते हैं, फटफट आपको है ना, मैं उधर ही मिलता हूँ। कहाँ पर बताएगा, थाने शोरूम में मिलता हूँ और फिर डिटेल चालू करते हैं। चलो भाई। 2 hours later अरे रुक, भीगे में। तो बाहर निकले थे और पूरा भीग चुके, बहुत जोरदार बारिश आ गई आज। अभी चेंज करता हूँ फिर मिलता हूँ, कुछ बात करना है, मिलता हूँ। A few moments later तो अब बैठे, तो फाइनली घर आ गए। हम लोग नहीं जा पाए यार वहाँ पे, थाने शोरूम जाने का प्लान था, निकल चुका था, बट देन बारिश की वजह से नहीं जा पाए। मैंने सोचा कि आज टाइम है, डेट भी अच्छा है, कुछ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन किया जाए। बहुत से लोग मेरे को लास्ट 1 वीक से पूछ रहे हैं कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि वीक में एक ब्लॉग तो डालू ही डालू, बट देन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी लाइफ में कि मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए उसको, मुझे क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग एंड क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। एक्चुअली लास्ट 1 वीक मेरे लिए बहुत मिक्स रहा है। मिक्स मतलब बहुत हेक्टिक भी रहा है, बहुत अच्छा भी रहा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रहा है। बहुत सी चीज़ जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वो मुझे मिली है। बहुत से सब्सक्राइबर से मैं मिला हूँ लास्ट के 1 वीक में, उनसे अपने आइडियाज़, उनसे उनका ओपिनियन शेयर किया है। तो गिव एंड टेक हुआ है बहुत, उनको वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जितने लोगों से मिला ना, तो भाई कभी नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा, नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा। और मैं उस स्टेट में होता हूँ कि यार मेरे को खुद को नहीं पता होता कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तो बहुत कन्फ्यूज्ड स्टेट में था। मुझे ब्लॉग करना तब पसंद है जब बहुत एकदम एनर्जेटिक मूड हो, बहुत एकदम हैप्पी मूड हो, तो मेरे को ब्लॉग करने में बहुत मज़ा आता है। ब्लॉग बहुत अच्छा ही बन जाता है तब, जब मैं एकदम मूड में होता हूँ, बहुत एकदम मस्त बात करने में मज़ा आती है। बट जब मैं थोड़ा लो फील करता हूँ तो मेरे को लगता नहीं कि यार बस ब्लॉग बनाना है, इसीलिए ब्लॉग बनाना नहीं है। ब्लॉग को जब तक एंजॉय नहीं करूँगा ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा यार। और जब तक वो मज़ा नहीं आएगा तो आप लोगों को भी देखने में कोई मज़ा नहीं आने वाला। इसलिए मैंने लास्ट पूरा वीक मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया। 8 दिन हो गए मैंने कैमरा छुआ भी नहीं था, बट देन आज फाइनली सोचा कि कैमरा उठा लेता हूँ एंड ब्लॉग बनाने जाता हूँ। बट देन वो ब्लॉग भी नहीं हो पाया। आज मेरे को BS6 वर्जन का वीडियो बनाना था बट नहीं हो पाया। एक वीक से यही हो रहा है, बस हो रहा नहीं, कुछ भी हो रहा नहीं। बहुत स्केप्टिक माइंड चल रहा है एंड इस मूड में ब्लॉग
कैसे बनाऊंगा, कैसे बनेगा मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने इसीलिए कैमरा वैमरा नहीं छुआ। मेरा लाइफ का जो डायरेक्शन है वो शायद ऐसा 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 चल रहा है और मैं भी बस लाइफ के डायरेक्शन के साथ में चलते जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रही है मेरे लिए, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत हेक्टिक थी यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। मैं तो मतलब किस कुएं से बाहर निकला मेरे को पता है। बट आगे का अगर आप मुझसे प्लान पूछोगे कि आगे का प्लान क्या है इस चैनल को लेकर, मेरा आगे प्लान क्या है, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को पूरी तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस मंथ में बहुत से राइडर्स, बहुत से यूट्यूबर्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं और मैं कहीं नहीं जा पाया। अब तक मुझे निकल जाना चाहिए था, बट होपफुली मेरे को लगता है कि 3-4-5-6 या 1 हफ्ते में जब मैं इसको मेरा जो ये सारे जो हेक्टिक सीन है वो सब सॉर्ट आउट कर लूँगा, मैं निकल जाऊँगा। और मैं ऐसा निकलूँगा ना इस बार, मैंने सोचा है कि मतलब फिर जल्दी में अपने को घर वापस नहीं आना, अपने को घूमना है, एकदम एक्सप्लोर करना है, एकदम ये सब छोड़ के सब बस निकल जाना है। तो मैंने वही प्लान किया है, अभी कहाँ जाना है कुछ डिसाइड नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है, बस बाइक लूँगा निकल जाऊँगा एंड एक्सप्लोर करूँगा, पूरी तरह से एक्सप्लोर करूँगा। मज़ा जो आपको मज़ा चाहिए ना वो आपको चैनल पे मिलेगा, जो मोटो ब्लॉग आपको देखना है ना वो आपको मिलेगा। बस तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम, उसके बीच में वीडियोस आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं आएंगे, बस राइड के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। राइड से पहले प्रिपेरेशंस भी करना है मेरे को, बाइक को रेडी करना पड़ेगा मेरे को, लाइट्स वगैरह फॉग लाइट्स वगैरह लगाना है, आपको पता है, नकल गार्ड्स भी लगाना है, मेरे को बहुत कुछ करना है बाइक पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, 3-4-5 दिन का टाइम होगा, उसके बाद में मैं इच्छुक हो जाऊँगा। सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक सब्सक्राइबर से मैं कुछ दिन पहले मिला था, मैंने उसको पूछा कि कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो देखकर, मतलब अच्छा लगता है वीडियो, कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, मेरे को बताओ पर्सनली। तो उसने मुझे बस एक ही बात बताई, वीडियो से ज़्यादा मुझे आप पसंद हो, मैं आपको देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, एंड देन आप द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपका वीडियो देखता हूँ और इसीलिए मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगा यार, मैंने बोला यार, बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो अच्छा है या अच्छा है, मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उससे बात कर कर, यहीं पर रहता है बंदा मेरे घर के आसपास, एंड BMW शोरूम जब गया था तभी भी बहुत से लोग मेरे को सब्सक्राइबर अपने मिले वहाँ पे, जिनसे मेरी बात हुई, जिनसे मैंने पूछा कि आपको वीडियो वगैरह कैसा लगता है, उनको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, उनको राइड्स, रॉ राइड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं उनको, जो मैं राइड पे निकल के बस छू हो जाता हूँ ना, बस उनको वो अच्छा लगता है कि यार आप मतलब कैसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो, बस ऐसे कर लेता हूँ दोस्त, मतलब मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बस निकल जाता हूँ, उसके बाद में जो होता है लाइफ में बस उसी हिसाब में चलते जाता हूँ, और जो ऊपर वाला थ्रो करता है मेरे ऊपर मैं उसको कैच कर लेता हूँ और बस चलते जाता हूँ, चलते जाता हूँ। अगर आप लोगों को भी अगर कोई चीज़ इतना पॉजिटिविटी के अराउंड अगर कोई चीज़ें आपको पीछे खींच रही है ना, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, उस चीज़ से दूर रहो। जो आपको अच्छा लगता है ना वो करो, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना बस भूल जाओ उसको, छोड़ दो, मतलब सोचो मत उसके बारे में, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आप फंसते जाओगे। चीज़ों को दूर से देखना शुरू कर दो, मतलब अगर प्रॉब्लम के अंदर फंसे हो ना तो थोड़ा पीछे हटो, दूर से उस प्रॉब्लम को देखो, दूर से उसका मुआयना करो कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ, मैं भी अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से यही कर रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है, मेरे को पता चल गया प्रॉब्लम क्या है एंड उसको सॉर्ट कैसा करना है, कर लेंगे उसको सॉर्ट। यार सॉर्ट करने में तुम्हारा भाई मचा नहीं आया है यहाँ पे, तो मचाएगा जरूर। इतना जल्दी डीमोटिवेट नहीं होता हूँ मैं, बट लो फील होता है, इंसान हर्ट होता है। आप लोगों को मेरे को देखे क्या लगता होगा, बहुत लेविश लाइफ है, बहुत खुश रहता है, घूमता फिरता है, ऐश करता है, यार बाइक लेके घूम रहा है, BMW है, ये वो, आप ही की तरह सीधा साधा लड़का हूँ, नॉर्मल सा लाइफ है मेरा, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी लाइफ में खुशी आती है वैसे मेरी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं वैसे मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको मुझे ओवरकम करना पड़ता है, एंड जिस दिन मेरे को लो फील होता है मैं वीडियो बनाता ही नहीं, मैं बंद कर देता हूँ। आज का दिन है ना, आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। बट ये दिल से दिल की बात है, आप समझो, मतलब मेरे दिल से आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड राइड प्लान्स बहुत है, कोई टेंशन, मतलब बहुत लंबा जाना है अपने को, बहुत लंबा, 25,000 सब्सक्राइबर टारगेट नहीं अपना, बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है, कमेंट्स आप लोगों ने खुद ने किया है कि आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे को पता है आप लोग की एक्सपेक्टेशन मेरे से क्या है। बहुत से लोगों ने कमेंट में बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर बोले कि आप इतना पहुँचे कि उतना पहुँचे, आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर पहुँचूंगा वहाँ तक, बस यही बोलना है। ये बस छोटा सा वीडियो था, बस बात करना था आपसे, इसीलिए बात कर लिया, लाइव जाके बात कर सकता था, बट देन लाइव में बहुत से लोग बस हाय बिग फैन एंड बस मैं उसी में उलझ जाता हूँ और बात नहीं कर पाता उसमें, तो इसलिए मैं सोचा कि कैमरे के सामने बैठता हूँ, सुकून से चिल मारता हूँ आज,
एंड आपसे बात करता हूँ। एनीवेज ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस तरह के वीडियो भी बनाया जाए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करते। मतलब आपका भी जब इस वीडियो पे कमेंट आएगा तो मैं उस पर इंटरेक्ट करूँगा, उस पर बात करूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को बहुत लंबा लेके जाना है अपने को। एंड एनीवेज इट इज़ टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू टाटा, एंड मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर।